सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेरोलेक एक्वा सस्पेंशन के बारे में, या फिर आप इसको रेस्प्यूल्स भी बोल सकते हो। अब इसके फायदे क्या हैं, कैसे यूज करना है और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या प्राइस है, सारी जानकारी जो है आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो देखिए, ये जो डेरोलेक एक्वा सस्पेंशन है, अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो आज की डेट में जो है ये 26 रुपये 17 पैसे में एक ट्यूब आता है, और ये जो ट्यूब है ये 5 ml का होता है। अब प्राइस जो है समय के अनुसार इसका इंक्रीज हो सकता है, जो आज का प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया। और ये जो है एरिस्टो फार्मा वालों का है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और अगर हम बात करें इसमें क्या है, मतलब इस सस्पेंशन में या फिर इस रेस्प्यूल में क्या मिलाया गया है, तो देखिए इसमें है लैक्टोबैसिलस क्लॉजी, जो कि 2 बिलियन स्पोर्स हैं इसमें, मतलब यही जो इंग्रेडिएंट है इस सस्पेंशन में आपको मिलेगा। अब इसको खरीदना कहाँ से है, तो देखिए जो भी लोकल एलोपैथी मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आप ये डेरोलेक एक्वा सस्पेंशन खरीद सकते हैं। अब इसको जो है आप प्रोबायोटिक भी बोल सकते हो, और इसमें जो है क्या होता है, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो लैक्टोबैसिलस क्लॉजी है ये जो है गुड बैक्टीरिया है। अब हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं, तो देखिए मेनली जो है ये दस्त के लिए बनाया गया है, और दस्त जो है आपको कोई इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं या फिर कोई मेडिसिन लेते हैं, मेनली जो है एंटीबायोटिक जो होती है ना उसके कारण जो है दस्त भी लगते हैं। इसके अलावा कोई भी आप बाहर का जैसे खाना खा लेते हैं या फिर जो है पॉइजनस सब्सटेंस जो है हमारे अगर अंदर चले जाता है तो उससे भी दस्त लगने लगते हैं। तो किसी भी प्रकार का दस्त हो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर IBS की प्रॉब्लम, जैसे कि बार बार टॉयलेट जाना, तुरंत खाने के बाद टॉयलेट जाना, उसमें भी इसको लेते हैं। इसके अलावा डाइजेशन को ठीक करती है और आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको हेल्दी रखती है ये। और देखिए अगर आपको दस्त वगैरह लगेंगे ना तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर हो जाएगा, तो एक प्रकार से अगर हम बोलें तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर देती है, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ भी खाते हैं बार बार दस्त लगते हैं तो उससे इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन जो होती है, जो हमारी आंत होती है, उसके हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये आपका डेरोले एक्वा सस्पेंशन। तो आपने देखा कि इसके फायदे क्या क्या फ़ायदे हैं मैंने इधर आपको बताए। तो देखिए मेनली जो है ये दस्त के लिए है, आपने देखा भी होगा कई लोग जो है, कई डॉक्टर भी जो है इसको रिकमेंड करते हैं, दूसरी कंपनी का भी रिकमेंड करते हैं, बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं। अब देखिए इसको यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको इसको अच्छी तरीके से सैक कर लेना, हिला लेना है, और हिलाने के बाद जो है आपको इसको ले सकते हैं, और सिंपल जो है इसको जैसे ट्यूब को तोड़ के ऊपर से आप पी सकते हो। इसका टेस्ट जो है पानी जैसा ही होता है, इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको एक दिन में आप 2 से 3 बार तक ले सकते हैं, और कभी भी ले सकते हैं, चाहे आप खाना खाने के पहले लो, खाना खाने के बाद लो, और इसको मेल फीमेल कोई भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं। अब बच्चों को कैसे देना है वो इधर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चा अगर ज़्यादा छोटा है तो देखिए उसको चम्मच में लेके जो है आपको पिलाना पड़ेगा, ज़्यादा छोटा जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे पिलाएं, उसको एकदम से ना पिलाएं, और चाहे तो थोड़ी थोड़ी देर में पिलाएं, क्योंकि जो ज़्यादा छोटा बच्चा एकदम से उसको 5 ml ना दें। और इसके अलावा इसको आप दूध में मिलाकर दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बच्चा ना पिए, ज़्यादा छोटा है, तो दूध में मिलाकर भी दे सकते हैं, बाकी इसका टेस्ट अच्छा होता है। और इसके अलावा जो है बच्चों को ये पसंद ज़रूर आता है, मेनली जो है बच्चों को रिकमेंड किया जाता है ये सस्पेंशन। और इसके अलावा जो है बड़े जो होते हैं, बड़े जो है इसको 3 बार तक ले सकते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं इसको एक दिन में 2 बार तक लें, जो छोटे बच्चे होते हैं। बाकी आप डॉक्टर से जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है बच्चा कितना छोटा है, क्या वजन है और कितनी परेशानी है, ये जो है डॉक्टर देखकर ही बताते हैं। जो एवरेज डोज है वो मैंने आपको बता दी बच्चों को 2 बार, और जो बड़े हैं वो 3 बार तक ले सकते हैं। और देखिए अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, तो साइड इफ़ेक्ट में जैसे कि गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकता है, और ज़्यादा ओवरडोज में ले लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, जैसे कब्ज़ भी हो सकता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा ओवरडोज में ना लें, पहले लो डोज से चालू करें, और हो सकता है कि आपको प्यास ज़्यादा लगे इस सस्पेंशन को लेने के बाद। अब कोई दूसरी मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उसके साथ ले सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल ले सकते हो, चाहे वो एंटीबायोटिक क्यों ना हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक के साथ जो है दस्त या पेट खराब हो जाता है, तो उसके साथ कई बार डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। अब इसको कब तक यूज़ करना है, तो देखिए प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है आपको, मतलब कितनी प्रॉब्लम है, कितनी समस्या है। हालांकि जो है मैं इधर बोलना चाहूँगा, जैसे ही आपके दस्त बंद हो जाते हैं तो इसको बंद कर दें, अननेसेसरी बहुत लंबे समय तक ना लें, और रिजल्ट आपको 3 से 4 दिन में लगभग मिल ही जाएगा, आपकी समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी, जो भी आपका पेट खराब है, दस्त हो रहा है, वो जो है 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे।
वो डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा इन्फेक्शन है, बाकी आप अधिक जानकारी के लिए जो है डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। अभी तक मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, जो बड़े होते हैं अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो ये डेरोलेक एक्वा सस्पेंशन ले सकते हैं, लेकिन साथ में जो है आप हैवी खाना ना खाएं, और इसके अलावा फ्राई खाना, मैदे से बनी चीज़ें, मसाले वाला खाना, ये सब ना खाएं, और बाहर का खाना ना खाएं जब तक आपका पेट ठीक नहीं हो जाता है। और जब भी कुछ खाना खाते हैं तो हैंड वॉश करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है हमारे हाथों के थ्रू या हमारे हाथ साफ नहीं होते उसके थ्रू चले जाते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन हो जाता है। और सफाई का ख्याल रखें, मतलब साफ सुथरा खाना खाएं और हाथ मत धो के अच्छी तरीके से हैंड वॉश करके ही खाना खाएं, क्योंकि जनरली होता क्या है कि बैक्टीरिया हमारे अंदर जाता है तभी इस प्रकार की परेशानी होती है। तो दोस्तों मेरा वीडियो तरीके खत्म होता है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। और अभी वो डाउट है इस जो है डेरोलेक एक्वा सस्पेंशन या रेस्प्यूल को लेकर, तो आप कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ से रिलेटेड, जो कि मैं डेली लाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।